हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपको लगाना है सिर्फ नहाने से पहले, या आप फेस वॉश करने से पहले भी इसको लगा सकते हो, कभी भी इसको लगा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है इसका रिज़ल्ट और आपको ये वन मंथ में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है तो उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रखी है, ढीली हो रखी है, आपकी स्किन पे रिंकल आ रहे हैं या फाइन लाइंस आ रही हैं, तो उनको भी रिड्यूस करेगा। इतना अच्छा मास्क है ये। तो इसको अगर मेरा वीडियो आपको अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे और आपको इसकी रेमेडी बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। जैसे हिट करेंगे, मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। और ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है और अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके ही जाइए। और आपको ये होम रेमेडी अगर आपको बहुत अच्छी लगे मेरा भी ये वीडियो, तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। चलिए तो देख लीजिए कि मैंने इसको बनाया कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एक एम्प्टी बाउल है ये, और ये बहुत ही अच्छा मास्क है। आप इसको जब वॉशरूम जाते हैं नहाने से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है और मैं अपने बार बार ये आप लोगों से कहती हूँ कि मैं अपने इसको कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा ये जो ट्राइपॉड है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा आता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो आप सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेरे जो हैंड्स हैं या कुछ और चीज़ है वो उस पर मत देखिए, बस सिर्फ जो मैं बना रही हूँ आप उसको ही देखिए। और मैं सबसे और चलिए छोड़िए उस चीज़ को जो मैं बता रही हूँ। और हाँ, ये तो है कि आपको सिर्फ यही जो चीज़ देखनी है वही देखिए। और जो ऐसा ट्राइपॉड है, मैं दूसरा ट्राइपॉड खरीदूंगी। मैं आपसे लोगों से रोज़ रोज़ मैं एक ही बात कहती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सब लोग नए नए भी आते हैं ना मुझे देख, मतलब मेरे वीडियो पर नए नए भी आते हैं व्यूअर्स, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले लूँगी रॉ मिल्क, ये मिल्क लूँगी मैं। मैं रोज़ बना लेती हूँ तो मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैं 2 स्पून, ये देखिए छोटा स्पून है, तो मैं इससे ही ले लूँगी 2 स्पून। और आप तो जानती हो मिल्क हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। ये हर स्किन टोन वाले लगा सकते हैं, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी हो, क्योंकि समर चल रहा है तो ये बेस्ट है। और ये टैनिंग आपको हो रखी है, जैसे आप रोज़ जाते हैं कहीं बाहर, तो आपको इस तरह के मास्क बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके फेस के लिए। तो आप इसको जब भी आप जैसे फेस धो रहे हो तो उससे पहले 15 मिनट पहले इसको लगा के अप्लाई करके इसको रख लीजिए। और इसको इसमें मिलाना है मुझे हनी। हनी भी मैं थोड़ा ही मिलाऊंगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ अभी के लिए बनाना है, तो मैं दिखाने के लिए बना रही हूँ। और आप लोग बना के भी रख सकते हो क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 वीक का बना कर रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसको मिला ले रही हूँ। और मैं अब लूँगी इसमें थोड़ा सा बादाम ऑयल। आप रोगन बादाम ऑयल ले सकते हो, मतलब स्वीट बादाम ऑयल ले सकते हो, हमदर्द का है ये। और आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो या फिर विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा ही डालूंगी। क्योंकि समर्स में कम ही डालना पड़ता है हर चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, तो मैं थोड़ा ही थोड़ा डाल ले रही हूँ। और इसको मिक्स अच्छे से करना है आपने। और मैंने रोज़ वाटर अपने घर पर ही बनाया था, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ही डालूंगी। थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूंगी, थोड़ा ही लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं।
अब इन सारी जो मैंने लिया है जो चीज़ें उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो ऑयल होता है विटामिन ई ऑयल, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। जो मैंने बादाम ऑयल लिया है, आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हो। आप इसको लगाएंगे ना तो आपकी स्किन, एक तो ग्लो भी आएगा आपकी स्किन पे और ड्राइनेस भी बिल्कुल चली जाएगी। और आपकी स्किन अगर ढीली पड़ गई है आपकी स्किन फेस की, तो वो भी टाइट नफ होगी। तो ये आपके बहुत ही अच्छा पैक है, ये 100% इफेक्टिव है। आप इसको 1 मंथ आप इसको लगा कर देख लीजिए, बस आपको 1 वीक का बना बना कर रख लेना है। अपने एक कोई छोटी सी डब्बी वगैरह हो उसमें रख लीजिए। देखिए मैं मिक्स कर लिया है मैंने, तो चलिए देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये ले लेना है और आपको अप्लाई करना है। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। ये देखिए, और ये 100% इफेक्टिव है। तो आप इसको बनाकर रख लीजिए और मैं आपको हैंड पर लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने फेस पर सुबह में ही लगाया था तो अब बहुत देर हो गई है, तो मैंने सोचा चलिए हैंड पर लगा कर मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है और तभी आपको ये अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा आपको ले लेना है इस तरह से और अप्लाई कर लीजिए आप पूरे फेस पर, जैसे मैं कर रही हूँ। हनी आपके स्किन को, अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और रोज़ वाटर बहुत अच्छा है, आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस भी ठीक करता है। रोज़ वाटर से आपका पीएच बैलेंस भी सही रहेगा, और मिल्क से मैंने बता ही दिया है कि आपकी जो सन टैनिंग हो रखी होगी उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। देखिए मैंने दोनों हाथों पर इस तरह से बात करते करते मैंने लगा लिया है, ये देखिए आपकी स्किन में एकदम शाइनिंग आएगी। आपकी स्किन अगर डल हो रखी है तो वो रिजेनुएट होगी और आपकी स्किन टाइटन अप होगी, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, अगर ये आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये आप यूज़ कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप कमेंट करके मुझे तभी बताइए जब आप इसको यूज़ करेंगे। आपको 1 मंथ इसको यूज़ करना है, और आप 2-3 दिन बाद इसको लगा सकते हो। आप चाहें तो डेली भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ होती हैं, DIYs होती हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, जल्दी वर्क करती, टाइम लगता है लेकिन वर्क करती है ना जब, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए आप इसको ज़रूर लगाइए और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपका फीडबैक कैसा रहा, आपने इसको यूज़ किया तो आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप, मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक थम्स अप देकर ज़रूर जाइएगा। बहुत कंजूसी कर देते हो आप लोग लाइक करने में, आप लोग बहुत, मतलब कुछ लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। मैं आपको रोज़ ही बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर भी हिट कीजिएगा, तो जैसे ही आप उसको हिट करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन नए वीडियो का पहुंच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे, और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स मैं अब और भी आपको गिव अवे बोलने वाली थी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आप लोगों के साथ मैं कुछ ज़्यादा ही समय देना चाहती थी और रहना चाहती थी, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक कर, और अच्छे से मैं चाहती हूँ कि बहुत ही मज़ा आए आप लोगों को भी, मुझे भी, क्योंकि
अच्छा लगता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मतलब बात करके आप कमेंट करेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूंगी, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी भी होगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, आप लोग मुझे अपना फैमिली मेम्बर्स मान रहे हो। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करिए, हर वीडियो में लाइक कीजिए, मुझे ढेर सारे कमेंट कीजिए, भर भर कर कमेंट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि कमेंट करेंगे आप और लाइक भी ढेर सारे कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उनका ज़रूर ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी और आपके आंसर जो क्वेश्चन रहेंगे आपके तो मैं आंसर ज़रूर करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी आपका नहीं लगने वाला है कि आप लोग सोचें कि नेट से आप देख रहे हो तभी आपको सब्सक्राइब कर देना, उसमें फिर ना आपका कुछ पैसे कटने वाले हैं ना उसमें ऐड होने वाले हैं, बस एक बार सब्सक्राइब करना है आपको, सिर्फ एक बार, बस किसी का भी आप वीडियो देखिए बस एक बार सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं तो उन लोग को सक्सेस मिल चुकी है और वो लोग तो आते ही हैं, लेकिन जो लोग नए आए हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें को भी सपोर्ट कीजिए, उनका भी साथ दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो गई, प्लीज़ लाइक और शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन होता है उस पर हिट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।